बिहार फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इस दिशा में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार नई फिल्म विकास एवं प्रमोशन नीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया है। इसके अलावा नालंदा, बांका के मंदार पर्वत, कैमूर की मुंडेश्वरी मंदिर, वाल्मीकि नगर के खूबसूरत डेस्टिनेशन में फिल्म की शूटिंग को विकसित किया जा रहा है। मुख्य रूप से राज्य में बड़े स्तर पर फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने का माहौल और फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संपूर्ण विकास करने की तैयारी की जा रही है। फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किया गया है। राज्य में फिल्म की शूटिंग हो, इसके लिए निर्माता निर्देशक को प्रेरित करने के लिए कला संस्कृति विभाग के द्वारा 20 नवंबर को गोवा में आयोजित फिल्म बाजार में प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी, जिससे लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। फिल्म विकास के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग से जिम्मेदारी लेते हुए कला संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। विभाग ने इसके लिए फिल्म विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है। बिहार में फिल्म की शूटिंग के लिए इच्छुक कोई भी निर्माता निर्देशक फिल्म विकास निगम की वेबसाइट पर निर्धारित फीस जमा कर आवेदन अपलोड कर सकते हैं। फिल्म में काम करने, साइट कलाकारों को एम्प्लॉयमेंट करने के साथ साथ टैक्सी से लेकर दूसरी सेवाएँ भी सूचीबद्ध की गई हैं। शूटिंग के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नेचर से संबंधित स्थलों को भी सूचीबद्ध किया गया है। प्रबंध निदेशक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर जिले में उपलब्ध पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण गांव, खूबसूरत लैंडस्केप और उपलब्ध होटलों का भी ब्यौरा मांगा है। फिल्म सिटी बनाने के लिए राजगीर प्रखंड के ठेरा मोड़ा पिलखी गांव में 360 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। नई तकनीक से लैस फिल्म सिटी का निर्माण 20 एकड़ में होगा। इसमें स्टूडियो के अलावा होटल, डॉर्मेट्री, ऑफिस सहित अन्य सुविधाएं होंगी। इस पर करीब 150 करोड़ खर्च होने की संभावना है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।